हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 4/3, उसमें 9th, 10th और 11th क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले आपको 8 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। इसके अंदर दिया हुआ है, देखिए स्टेटमेंट, दो नल हैं पानी के, एक साथ एक होज को 9 सहित 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। तो इसके अंदर दो प्रकार के नल हैं, एक बड़ा नल है जिसका व्यास ज़्यादा बड़ा है, जैसे 2 इंची है, 3 इंची है, इस प्रकार का नल है, और एक उससे छोटा है, कम व्यास का है, और उसमें 10 घंटे कम लेता है। वो कह रहा है कि अलग अलग भरने का समय क्या है, ये इसके अंदर दिया हुआ है। यहां पर देखेंगे माना सबसे पहले क्या है, इसमें कम व्यास वाला पानी, माना कम व्यास वाले नल से होज भरने कम लेता है। तो यहां पर x/10, ये इसके अंदर, ये इसका भंडार, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो कुल घंटा है वो कितना है, 9 सहित 3/8, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे कम व्यास वाले नल, कम व्यास वाले नल का 9 सहित 3/8 घंटे का काम, 8 घंटे का जो काम है वो क्या हो गया, टोटल कि 9 × 78 = 375 और कम व्यास का क्या है, ये माना जाए एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसके बाद यहां पर लिखेंगे अधिक व्यास वाले नल का काम बराबर हो गया, तो ये इसका अधिक व्यास कितना है, वो इससे 9 × 75 / 8, और ये कितना दिया हुआ है, 8x/10, ये इसका समय हो गया दोनों का, जो उसने समय लिया है, यानी कि भरने में जो टोटल समय लिया है। अब क्या कह रहे हैं, प्रश्न अनुसार देखिए, प्रश्न अनुसार क्या होगा कि दोनों नल भरने में जो है एक होद को पूरा करते हैं, एक होद को भरते हैं, भल नल बड़े व्यास वाले नल के होद से भरने में एक बराबर करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 75 × 8x / 75 × 8x/10 और बराबर हो गया 1, ये इसके अंदर हो गया। अब यहाँ पर इसका लघुत्तम ले लेंगे, क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम लेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा इधर, तो यहां क्या हो जाएगा, इसका जो है 8x और ये हो गया x/10, ये आपका लघुत्तम इसका ये हो जाएगा। देखिए 8 तो कॉमन है, ये बच गया और ये बच गया, ये इसके अंदर। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको इससे भाग करेंगे, दिया जाएगा तो ये हो गया 75 × x/10। उसके बाद जमा, इसको जब इससे भाग करेंगे तो देखो ये और ये और ये, एक ये दोनों और एक ये दोनों यहाँ दिया हुआ भाग होकर कट जाएगा, x बचेगा, तो इसका मतलब है ये इधर x, और ये यहाँ से जब इसको 1 से करेंगे तो ये एडिटिव यहाँ पर आ जाए, ठीक है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको डिफरेंट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, देखिए इस प्रकार से अब जो यहां पर
पर दिया हुआ है वो होगा हमारा 75 से गुणा करेंगे 75 एक्स हो गया, घटा में 10 से गुणा करेंगे 750 हो गया, ये दिया हुआ था और उसके बाद में जमा 75 एक्स आ गया था। और उसके बाद यहाँ पर क्या गया, यहाँ आया था 8x और ठीक है और ब्रैकेट के अंदर x घटा 10, तो यहाँ पर क्या हो गया 8x की शक्ति 2 घटा में 80x, ये आपका ठीक है। अब इसको पार्ट को एक तरफ लेके आएंगे और बाकी पार्ट को एक तरफ कर लेंगे, तो इसमें आप क्या करेंगे कि इस पार्ट को यहाँ पर 8x की शक्ति 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 8x की शक्ति 2 80x, और जब ये पार्ट इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये क्वेश्चन इस प्रकार से ठीक है। और लेकिन इसमें क्या होगा ये कटेगा नहीं, देखो कितना जमा का है ये भी जमा का है, तो इसके अंदर ये प्लस का हो जाएगा, इसके हिसाब से माइनस का यदि होता तो ये हमारे पास क्या हो जाता, ये हमारा हो गया और ये प्लस के 750 और बराबर ही होगा। यहाँ पर 8x की 2 घटा में इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 230 x और जमा के अंदर कितना दिया हुआ है 750 बराबर। अब इसके फैक्टर बनाने हैं आपको ठीक है, इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या करेंगे 8x की 2 घटा में ये हमारे पास बनेगा 200 और गुणा में 30, 200 और गुणा में 30, तो ये हमारे पास क्या हो गया 200x ठीक है, और हमारे पास क्या हो गया घटा में 30x जमा में 750 बराबर 0। यहां से आप कॉमन निकाल सकते हैं, 8x कॉमन आ जाएगा तो x 25 कॉमन आ जाएगा, यहां से भी इसी प्रकार से 30x को मना जाएगा, 30 को मना जाएगा, यहां क्या हो जाएगा x घटा 25 बराबर 0, तो यहां क्या हो गया x घटा 25 और 8x घटा 30 और ये बराबर 0 ठीक है। अब क्या करेंगे इसका, अब इसको 0 के बराबर अलग अलग पार्ट जो है वो 0 के बराबर रख देंगे, अलग अलग पार्ट को जब हम रखेंगे तो x घटा 25 बराबर 0, तो x बराबर ये पार्ट इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसी प्रकार जब इसको रखेंगे बराबर 0, अब ये 30 प्लस का हो गया, x बराबर क्या हो गया 30 बटे में 8। अब देखिए जो टाइम है वो इसमें नेगेटिव या इस प्रकार का नहीं हो सकता ठीक है, ये संभव नहीं है, क्या है ये संभव नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे ये मानेंगे x जो है वो 25 घटा किसका माना था, x आपने कम व्यास वाला और अधिक व्यास का क्या था कि वो इसमें से 25 में से 10 कम कर देंगे तो हमारे पास 15 घंटे हो जाएंगे, अधिक व्यास वाला जो है वो 15 घंटे में भरेगा और कम व्यास वाला है वो 25 घंटे में भरेगा, तो ये इसका कंप्लीट आंसर। तो यहां पर लिखेंगे कम व्यास वाला नल होज भरेगा बराबर है 25 घंटे और अधिक व्यास वाला नल होज भरेगा 25 घटा 10 बराबर है 15, ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से ही क्वेश्चन आपका नेक्स्ट होगा, जो 10th क्वेश्चन है वो भी सेम इसी प्रकार से ही है ठीक है, ये आप शुरू करेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 वर्ग मीटर दिया हुआ है और उसके परिमाप का अंतर जो है 24 मीटर दिया हुआ है, तो वर्गों की भुजा ज्ञात करनी है, तो यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11
माना दो वर्ग है ना, पहले वर्ग की भुजा x मीटर, परिमाण 4x मीटर, क्षेत्रफल x का वर्ग मीटर, ठीक है, x गुणा x हो गया ना, तो ये x गुणा x वर्ग मीटर हो गया, तो ये हमारा इसका हो जाएगा, ठीक है, ये तो पहले वर्ग का हो गया। इसी प्रकार दूसरे वर्ग का भी लेना, माना दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर ले लेंगे, परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, देखिए वर्ग का परिमाप ये होता है 4 गुणा भुजा, और वर्ग का क्षेत्रफल ये आप जानते होंगे भुजा गुणा भुजा होता है, ये इंपोर्टेंट है इनमें, तो यहाँ 4 वाई हो गया और इसका क्षेत्रफल हो गया वो वाई की शक्ति 2, वाई गुणा वाई वाई की शक्ति 2 वर्ग मीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान देना है आपने, परिमाप और क्षेत्रफल का प्रयोग इसके अंदर किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए पर्सन अनुसार क्या हो गया x का वर्ग, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, नहीं सॉरी, पहले परिमाप लेना है, परिमापों का अंतर तो 4x और 4y बराबर कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, इसका अंतर कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 4 से इसको भाग कर देंगे तो x घटा y बराबर हो गया 24, ठीक है। अब देखिए थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, इस पार्ट को अगर इधर लेके आए तो x बराबर हो गया y हो गया 24 जमा y, ये इसके अंदर दिया हुआ, तो समीकरण 1 तो ये आ गया। अब क्या कह रहा है वो दूसरी समीकरण क्या है, देखिए दूसरी समीकरण क्या कह रहा है, तीन के वर्गों का योग, वर्ग क्या है, x का वर्ग जमा y का वर्ग बराबर है 468, ये समीकरण सेकंड आ गया, ये क्या हो गई समीकरण सेकंड आ गई आपकी, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 1 का मान x का, ये x का मान, x क्या है, x की जगह क्या है 24 जमा y, ये मान उसके अंदर सॉरी ये यहां से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा ना, ये 6 आ जाएगा, देखिए ये थोड़ा ध्यान देना है, 6 आ जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये यहां से देखिए 4 से जब इसको भाग करेंगे 4 × 4 और 6 × 24 की आपका हो गया, तो 4 और x जब यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो y जब नेगेटिव है वो बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो जमा का हो जाएगा, तो ये हमारे पास 6 जमा के हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर आपने वैल्यू रख दी, तो क्या था, ये था x की वैल्यू थी और y की वैल्यू थी, तो वो x की वैल्यू थी, x की वैल्यू क्या थी 6 जमा y, वो आपने रख दी थी, तो यहाँ पर 6 जमा y का वर्ग y का वर्ग बराबर होगा 400। अब ये देखिए ये क्या प्रयोग होगा, ये होगा a जमा b का वर्ग, और ये होता है a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab, ये प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हम 6 का वर्ग करेंगे 36, y का वर्ग जमा में 6 गुणे 12 y, और ये y का स्क्वायर बराबर होगा 400, ठीक है। अब y और y दो y जमा 12 y और जमा 36, और जब भी इधर आएगा तो 468 इसमें से माइनस का हो जाए, ठीक है, 468 इसमें से क्या हो गया माइनस का हो जाए, अगर ये जब इसमें से घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, 2y की शक्ति 2 जमा 12 वाई घटा 216 बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। अब एक बार देखिए, नहीं सॉरी, बस 436 इसमें से घटाएंगे 432। अब देखो सब में दो कॉमन आ सकता है ना, तो यहाँ पर इसमें से कॉमन लेंगे तो y शक्ति 2 जमा 6y घटा 2 4 2 2 2 2 6 12,
ये समीकरण आपकी तैयार हो गई। अब इस समीकरण के फैक्टर बनाने हैं आपने, समीकरण के फैक्टर बनाने के लिए आपको फैक्टर बनाने आप नहीं आते हैं तो आप द्विघाती सूत्र है उसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आया था, वाई स्क्वायर घटा, समीकरण में क्या आई थी, वाई स्क्वायर जमा 6y और घटा 216 बराबर 0। तो ये वाई स्क्वायर और जमा 18y घटा 12y और ये 216 बराबर 0। अब वाई इसमें से कॉमन लेंगे तो वाई जमा 18, यहाँ घटा 12 कॉमन लेंगे तो ये वाई जमा 18y बराबर 0 और ये हमारे पास वाई जमा 18 कॉमन ले लेंगे और वाई घटा 12 बराबर 0 और ये वाई जमा 18 बराबर 0 और वाई बराबर घटा 18। दूसरा है वाई घटा 12 बराबर 0 और वाई बराबर 12। अब ये तो पॉसिबल नहीं है क्यों, नेगेटिव है, नेगेटिव किसी की भुजा नहीं हो सकती, ठीक है, इसलिए ये हो गया। अब वाई का मान, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर x बराबर क्या था, 6 जमा y, यही था ना, x बराबर क्या था, 6 जमा y। अब y की वैल्यू क्या है, 12, तो x बराबर कितना हो गया, 6 जमा 12 बराबर x बराबर कितना हो गया, 18। तो ये आपकी जो है भुजा हो गई। पहला क्या था, पहले वर्ग की भुजा आपने क्या मानी थी, x मानी थी, तो उसकी भुजा क्या हो गई, 18, और दूसरे की क्या मानी थी, y मानी थी, दूसरे की भुजा क्या हो गई, 12। तो ये आपकी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है। थैंक यू।